हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर दोस्तों आप भी गन्ना घोषणा पत्र भरना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ बताऊंगा। अगर दोस्तों आपका गन्ना घोषणा पत्र ऑनलाइन फिल होने के बाद सबमिट नहीं हो रहा है, या फिर दोस्तों आपकी खतौनी में आपका रकबा या फिर दोस्तों पेड़ या पौधा ऐड नहीं हो रहा है, तो सारी की प्रॉब्लम के दोस्तों सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं लगातार, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गन्ना घोषणा पत्र को ऑनलाइन फिल करने के लिए यानी भरने के लिए आपको गन्ना विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसके लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है canup.in एंड इसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आप इस वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा किसान भाई आंकड़े देखने के लिए, नीचे बटन पर क्लिक करें, तो आपको आंकड़े देखे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आंकड़े देखे वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस कैप्चा को फिल करना होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आगे जो व्यू का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से अगर कैप्चा इनवैलिड बताता है, तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है कैप्चा को, यानी कि दोबारा से कैप्चा को बदल देना है। जैसे ही आप कैप्चा को बदलते हैं, उसके बाद आपको फिर से व्यू वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो है कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल आपको सबसे पहले आपको अपनी जो है जनपद को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी जनपद के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उस जनपद को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जनपद को सिलेक्ट करने के बाद साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा फैक्ट्री का। फैक्ट्री में दोस्तों आपको अपनी फैक्ट्री को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मिलेगा अपना गाँव यानी कि विलेज, तो आपको सबसे पहले अपना जो गाँव है ग्राम पंचायत है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी ग्राम पंचायत में आपका जो है सट्टा है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जो चौथा ऑप्शन है सिलेक्ट ग्रोअर का, तो सिलेक्ट ग्रोअर में दोस्तों आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर देख लेना है, यानी कि आपको पूरे ग्राम पंचायत जितने लोगों के जो है सट्टे यहाँ पर करे हैं गन्ना के, वो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको अपना नाम है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और नाम देखने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा यदि आपने अभी तक घोषणा पत्र नहीं भरा है तो अन्यथा भर दे, वरना सट्टा चालू नहीं होगा, तो आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही दोस्तों आपके सामने आपकी जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। मैंने इसे दोस्तों सिक्योरिटी की वजह से हाइड कर दिया, बट आपको आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। अब दोस्तों आपको साइड में मिलेगा एक एक्शन का बटन, यहाँ पर दोस्तों उसके बराबर मिलेगा यहाँ पर घोषणा पत्र का बटन, तो आपको इसी में से एक पर क्लिक कर देना। मैं एक्शन के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर मिलेगा हिंदी में लिखा हुआ घोषणा पत्र, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने घोषणा पत्र का जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड सत्यापित करना होगा, जो कि दोस्तों आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आप उसके द्वारा कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर है तो उसके द्वारा भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर इस पर लगा हुआ है आपके घोषणा पत्र में यानी कि आपके सट्टा में, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है, फिर सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूँ, और फिर इसके बाद सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सत्यापित करे बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपकी जो पहले से डिटेल भरी हुई है वो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें दोस्तों आपको संशोधन करना होगा, आपको नया नहीं भरना है, नया नहीं आपका भरा जाएगा। मैं आपके यहाँ पर बार बार बता दूं, आपका यहाँ पर संशोधन होगा, जो कि यहाँ पर सत्यापित करके सामने लिखा होगा संशोधित करें। तो सबसे पहले जैसे ही आप सत्यापित करते हैं, तो तुरंत ही आपको यहाँ पर, जैसा मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसा करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुरंत आपको संशोधित वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही संशोधित बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना गांव का नाम मिलेगा, जिला मिल जाएगा, तहसील मिल जाएगी, इसे आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद नीचे मिलेगा आपको भूमि का विवरण। भूमि के विवरण में आपको जो है पहले से कुछ जो है प्लॉट या फिर दोस्तों खतौनी ऐड होंगी, अगर उनको संशोधन करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो पेंसिल का बटन दिया है एक्शन के सामने, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर इसमें कोई संशोधन नहीं करना चाह रहे हैं, इसके अलावा और जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर खतौनी संख्या नंबर डालना है, गाटा नंबर डालना है, गाटा क्षेत्रफल डालना है, उसका शेयर प्रतिशत कितना है 20% 50%, जो भी आपके खाता संख्या में खाता धारक हैं, क्षेत्रफल डालना है, अगर आपका पेड़ या पौधा है उसकी किस्म कौन सी है, और क्षेत्रफल यहाँ पर डालने के बाद आपको ऐड करना है। ऐड करने के तुरंत बाद फिर से आपको संशोधित करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसे एडिट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर लेंगे, अब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड वाला जो बटन मिल रहा है, ऐड वाले बटन से पहले आपको फिर से संशोधित वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप अपनी डिटेल को फिल कर लेते हैं, एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, ये अगर आप यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल कर लेते हैं, तो सबसे पहले संशोधित करना है, उसके बाद फिर ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आपकी जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वन नंबर में यहाँ पर आपकी खतौनी ओपन होकर यहाँ पर चढ़ जाएगी। अब इसके बाद आपको फिर से संशोधित वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ फिर से संशोधित वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपकी
डिटेल जो है अब संशोधित हो चुकी है पूरी रूप से। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे आएंगे तो नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना है और फिर सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके अलावा और भी खतौनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या करना होगा, अगर आपका जो भूमि का विवरण है, प्लॉट है, वो किसी अन्य गाँव में है तो आपको अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर दोस्तों इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है या फिर कोई खतौनी ऐड नहीं करना है तो फिर आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो सफलतापूर्वक डेटा है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और डेटा सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर कोई एरर वगैरह आता है तो आपको फिर से संशोधित वाले बटन पर ही क्लिक करना, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, फिर आपको सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपकी डिटेल जो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। कुछ लोगों का यहाँ पर जो डेटा है वो एरर आ जाता है या फिर कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना होगा, दोबारा से इस पेज को बैक करना है। और बैक करने के बाद ही दोस्तों आपको जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इस साइट में दोस्तों एरर बहुत आते रहते हैं, जिससे दोस्तों आप किसान भाई बहुत सारे परेशान रहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बस यही बता रहा हूँ कि आपका जो है गन्ना घोषणा पत्र संशोधन होगा, नया नहीं फिल होगा, उसी में आपको संशोधन करना है। बट दोस्तों जो भी आप डिटेल को फिल करें तुरंत संशोधित करें, फिर दोस्तों आप ऐड करें, फिर संशोधित करें, इससे दोस्तों आपका डेटा सफलतापूर्वक सुरक्षित होगा वरना नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं यहाँ पर मेन वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा डालना है, व्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जिला, आपको अपनी जो भी फैक्ट्री है वो सिलेक्ट करने के बाद, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है, घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको फिर से अपना वही अकाउंट जो आपका अकाउंट नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, और सत्यापित करने वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन पर, और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से जैसे मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुका है लाइव प्रूफ, तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो घोषणा पत्र है डाउनलोड होकर आ जाएगा फाइल में बनकर। आपको इसे ओके करना है और इस तरीके से आपका जो पूरा घोषणा पत्र है 2023 का भर जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहां से देख सकते हैं 2023 का यहां पर जो घोषणा पत्र है हमारा भरकर तैयार हो चुका है। आप इसे दोस्तों अपनी गन्ना समिति में जमा कर सकते हैं या फिर दोस्तों अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए भविष्य में जमा रख सकते हैं, अपने पास भी और अपनी गन्ना समिति में भी जमा कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल यहां पर दी गई है, आप इसे प्रिंट करवा लीजिए नज़दीकी दुकान से, या फिर दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है या प्रिंटर है तो आप अपने प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सीख गए होंगे इस वीडियो में आप किस प्रकार से अपना गन्ना घोषणा पत्र भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको तुरंत उसका सोल्यूशन बताएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिए।